हरि ओम दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने हिस्ट्री से लिया है, और आज का टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और यदि उसमें जीके आना ही होता है जैसा कि हर एक एग्जाम में, तो ये टॉपिक आज का आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। दोस्तों जैसे ही वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज कर ली, तब से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो गया। और अब आपसे यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, या तो स्टूडेंट्स उनका सीक्वेंस पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी किस देश में आई थी, और या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी के आने का सन क्या है, उसकी तिथि क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे बाद में जाने वाली जो कंपनी थी भारत से वो कौन सी थी। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। यहां स्टूडेंट्स इस मैटर को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, और वो ट्रिक है पुत्र अड़ा डचनेस फसा। स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, आई होप ऐसा हमें लगता है। ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, पुत्र अड़ा डचनेस फसा। अब यहां से हम देख लेते हैं तो इस पुत्र से बनेगा स्टूडेंट्स, पुत्र से बनेगा पुर्तगाली। भारत में आने वाली जो पहली यूरोपीय कंपनी थी वो थे पुर्तगाली, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि 1498 में कालीकट के केरल बंदरगाह पर राजा जामोरेन के यहां पर कौन आया था, वास्को डी गामा आया था 1498 में अपना जहाज लेकर। तो ये आपको याद रखना है, इसे भारत की खोज करना भी इसको कहते हैं। यूरोपीय देशों के लिए भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। तो पुर्तगाली आए, सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे, आपको आई होप याद हो गया होगा, 1498 में आए। अब यदि इनका देश पूछा जाए तो आपको क्या कहना है, ये पुर्तगाल देश से आए थे। स्टूडेंट्स इनके बारे में कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं जो एग्जाम रिलेटिव है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कभी यदि आपसे पूछा जाता है कि आजादी, जैसे आपको पता है भारत को 1947 में मिल गई, तो यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो भारत से सबसे लास्ट में गई, सबसे अंत में गई, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है अंग्रेज तो 1947 में ही भारत को अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, लेकिन जो पुर्तगाली थे इनने गोवा और दमनद्वीप पर अपना अधिकार बना करके रखा था, इनने गोवा और दमनद्वीप को नहीं छोड़ा था। ये भारत की सेना द्वारा गोवा व दमनद्वीप को एक ऑपरेशन किया गया सैनिकों द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो गोवा व दमनद्वीप को ऑपरेशन विजय एक अभियान चला करके 19 दिसंबर 1961 को भारत ने जीता था, ठीक है, और यहां से पुर्तगालियों का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखें आप कि सबसे अंत में भारत से जाने वाले जो यूरोपीय कंपनी थी वो कौन थी, पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, पुर्तगाली। आई होप आप समझ गए होंगे। अब पुर्तगालियों के विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको हम जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम कहें कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली जो थे उनका भारत में क्या क्या योगदान रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो तंबाकू की खेती करना भारतीयों को किसने सिखाया, पुर्तगालियों ने ही सिखाया, ये पुर्तगाल की ही देन है। दूसरा देखते हैं पानी के जहाज निर्माण की कला, क्योंकि ये जितनी भी ये कंपनियां हैं ये सब समुद्री मार्ग से आई थी, सभी ने समुद्र तट पर ही अपने गोदाम बनाए थे। हालांकि इन सभी के आपस में भी कुछ युद्ध भी हुए हैं, लेकिन इन सभी युद्धों में अंतिम रूप से अंग्रेज ही विजयी हुए थे, लेकिन गोवा और दमन व द्वीप को छोड़ करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तंबाकू की खेती, वैसे कोई तंबाकू खा लेता है तो गाली गलौज करने लगता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो इसको, तंबाकू की खेती किसकी देन है, पुर्तगालियों की, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर पानी के जहाज निर्माण की कला, ये भी भारत को किसकी देन है, तो ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। फिर हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स
प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस जैसा कि आपको पता है गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगाल की ही देन है। वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस जो होते हैं उनमें गाली वगैरह छपती नहीं है, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और एक भवन निर्माण या इमारत या बिल्डिंग निर्माण की एक कला है जिसको हम कहते हैं स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला की गोथिक शैली, स्थापित कला की गोथिक शैली जो है ये भी पुर्तगालियों की देन है। आई होप इतना समझ गए होगी, जो एग्जाम रिलेटो था पुर्तगालियों से तो हमने आपको बता दिया। अब हम आगे देखते स्टूडेंट्स, यहां पुत्र से तो बन गया था क्या पुर्तगाली, फिर यहां लिखा है अड़ा, तो अड़ा से तो कुछ नहीं, आद यहां पर लिखा है तो आ से आपको कहना है अंग्रेज स्टूडेंट्स। और अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत, वो सन 1600 ईस्वी में भारत आई थी, आपको पता होना चाहिए। और अंग्रेज कहां के निवासी थे, इंग्लैंड देश के, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर यहां पर डच साफ साफ लिखा है, तो डच से बनेगा डच, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी वो कब आई थी, 1602 में आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत। और कभी यदि आपसे पूछा जाता है कि डच मुख्यतः कहां के निवासी थे, तो स्टूडेंट्स जो डच थे मुख्यतः वो नीदरलैंड के निवासी थे, हालांकि वर्तमान में उस देश का नाम है नीदरलैंड, इस नीदरलैंड का ही पुराना नाम क्या हुआ करता था, हॉलैंड, ठीक है। हॉलैंड पुराना नाम हुआ करता था और वर्तमान नाम क्या है, नीदरलैंड। तो ये संधि आप याद रख लें, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है निस, तो ट्रिक में निस का अर्थ निकलता है, लास्ट के हमने ये वर्ण ले लिए, निस से अर्थ निकलता है स्पेनिश। और जैसा कि स्पष्ट है स्पेनिश कहां के निवासी थे, तो आपको पता होगा स्पेन एक देश है, तो स्पेनिश स्पेन के निवासी थे, और स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सन 1600 ईस्वी में भारत। आगे हम देखते हैं, यहां पर लिखा है फसा, फसा के फासे बनेगा स्टूडेंट्स फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो आए थे, फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी सन 1664 में, और इस नाम से स्पष्ट है कि फ्रांसीसी कंपनी कहां की होगी, फ्रांस की होगी। फिर यहां स्टूडेंट्स लास्ट में लिखा है सा, तो सा से बनेगा, इस सा भले आधा बना है पर हमें खबर याद करने की दृष्टि से, मेमोराइज करने की दृष्टि से स्टूडेंट्स, इस सा का अर्थ होगा स्वीडिश, सा का अर्थ क्या होगा स्वीडिश, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी 1731 में, और ये स्वीडिश कहां के निवासी थे, स्वीडन के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। ये यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट वीडियो था, इसके हम लगभग इसी प्रकार से छोटे छोटे 4-5 वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन कैसे हुआ, कहां इनने पहले गोदाम बनाए, किसका कब युद्ध हुआ, इनका कौन सा अधिकारी था, किस कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऐसे बहुत सारे फैक्ट आगे आपको बताएंगे दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।